बिरला शहर में दो दिवसीय सत्संग भजन व श्री सदगुरु कबीर साहब प्रकाट्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता योगेश तिवारी ने पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि व खुशहाली के लिए कामना की। बेमेतरा जिले के बिरला में आयोजित इस समारोह में पहुंचे किसान नेता योगेश तिवारी ने कबीर अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा कि संत कबीर ने मानव जाति के कल्याण के लिए रास्ता दिखाया और सद्भाग में चलने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही छुआछूत जात पात जैसी कई कुरीतियों को समाज से खत्म करने का प्रयास किया। किसान नेता तिवारी ने कहा कि संत कबीर ने अपनी अमृतवाणी के माध्यम से समाज को एकता का संदेश दिया था। सामाजिक सद्भावना ये प्रेम है, ये कहूं न कहूं हमर कबीर साहब के देन, कबीर साहब के जन वाणी है, कबीर साहब के जन अमृत वाणी है। बोला हमन बचपन से ही किताब में पढ़त आवत, ओकर संदेश ला अपन आत्मसात करके हमन आगे बढ़त हन। और आज हमर जन जीवन, हमर संस्कारिक जीवन, जन सफलता से हमन जीवन जियत हन, तेमा कहीं ना कहीं कबीर साहब के दोहला हमन आत्मसात करके अपन पोथी पोथी पढ़े जग मुआ पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, कतको ते पोथी पुराण पढ़े। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।